में आप देखिए इसके अंदर देवी माँ के पैर भी बने हुए हैं। बस आपको उड़ीसा की एक कला की तरफ ले चलती हूँ। हम वहाँ की जो रंगोली जिसको कहते हैं उसका एक अलग तरीके से वहाँ बनाया जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसका नाम है ज्योति, क्योंकि वो मिट्टी लीप के की जाती है, उसके ऊपर चावल के पेस्ट से। मैंने कोशिश की है कि मैं ब्राउन कलर करके और फिर करूं, बारिश के कारण ये ब्राउन कलर बहुत अच्छे से सूखा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसीलिए इसको दिखाने के लिए मैंने एक कागज पर भी इसको बना के लिया है। तो मैं आपसे इसकी ये बात कर रही हूँ कि ये जो आर्ट है इसको ज्योति चित्ता कहते हैं, और ये इसका आज भी ट्राइबल आर्ट के दायरे में आती है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट है और बिल्कुल रूरल एरियाज में किया जाता है उड़ीसा के, और दीवारों पर और जमीन पर उसको लीप कर लाल मिट्टी से, और उसके ऊपर चावल के पेस्ट से। ये देखिए मैंने चावल का पेस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा गाढ़ा हो गया, पेंट करते समय मैं इसको थोड़ा पतला कर लूंगी। और इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी आर्ट है, तो देखिए इस तरह से किसी लकड़ी के ऊपर कॉटन या कोई कपड़े का टुकड़ा जो है वो इस तरह से अपने ब्रश बना लेते हैं, तुलिका बना लेते हैं उसकी, और इससे बनाते हैं। नहीं तो इसके पिछला जो हिस्सा है लकड़ी का, कोई भी पेड़ की छोटी पतली टहनी, उससे भी ये लोग करते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा हिस्सा देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए कैसे बनाना है इसका एक हिस्सा यहाँ छोड़ दिया है कि मैं आपको ये बना के दिखाऊंगी यहाँ पर। तो मैं थोड़ा अपना पेस्ट थोड़ा सा पतला कर लूँ, ये बहुत गाढ़ा हो गया है। और इसमें आप चावल को भिगा के 2-4 घंटे और फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिए या सिलबट्टे पे पीस लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो, और एक ऐसा पेस्ट बनाए जिससे आप उसको किसी लकड़ी से या जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं आप। इसको उंगली से भी बनाया जाता है, तो अगर आप मोटा काम करना है तो आप उंगली से करते हैं, और बारीक काम करना है तो आप इन तुलिका से करते हैं। तो मैं इसको अपने ब्रश के पीछे के हिस्से से कर रही हूँ, क्योंकि कोई लकड़ी से करते हैं तो मैंने कहा ये मेरे लिए सुविधाजनक होगा, और नहीं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ जितना किया हुआ है मैंने, ये मैंने सब इस तुलिका से किया है। मैं फिर भी आपको करके थोड़ा सा बता देती हूँ इससे, क्योंकि काफी मोटा है तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी उसे बनाने में। ये बहुत ही अलग प्रकार की रंगोली है मैडम। हाँ देखिए मैं यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ करके, और मैंने आपसे बताया कि मेरा जो पीछे का रंग है, जो मैंने कथई रंग किया है, वो सूखा नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है जी। तो इस तरह से आप इस तुलिका से कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ये यहाँ पर करके दिखाती हूँ। दर्शकों से आग्रह है कि जो जहां से हमारा इस सत्र को आज देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपस में आप लोग शेयर कर दें, ताकि हम लोगों का जो प्रयास है उसको हम घर घर तक लेके जा सकें, और आप लोग खूब कमेंट भी करें कि ताकि हम लोग आपकी कमेंट से जुड़ सकें। दर्शकों से अनुरोध है, शायद दिखने में जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं करना, क्योंकि चावल का पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है ये सब आपको बनाते समय ध्यान रखना जरूरी होगा। हल्का हल्का रथ यात्रा की तरह लग रहा है। एकदम एकदम सही बोल रहे हैं सर आप। हाँ मुझे बनाते समय वैसे ही फील आ रहा था जी मैडम। दर्शकों को लग रहा होगा कि आज उड़ीसा से संबंधित स्कल्पचर दिखाई गई, तो रंगोली जो उड़ीसा से संबंधित बनाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माता रानी की प्रेरणा है कि संयोग से ऐसा हो जा रहा है।
सिर्फ आपको एक डिजाइन बता रही हूँ, उनके जो ट्राइबल आर्ट में जो डिजाइन है बहुत तरह के हैं। और आप देख रहे नीचे कमल का फूल बना हुआ है, कमल का फूल बहुत ज्यादा उनके हर आपको हर तरह के मोटिफ में कमल का फूल मिल जाएगा। और पत्तियां हैं या इस तरह के जो ऊपर की तरफ मंदिर की तरह एक कलश की तरह जो बनी हुई चीजें हैं ये काफी दिख जाएंगी आपको इस तरह के इस ट्राइबल आर्ट में। और ये घर घर में बनाई जाती है। और अगर आप उड़ीसा के ग्राम गांव की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर ज्योति आर्ट जो है ये आपको उनके दीवारों पर मिल जाएगा। जिस तरह आप महाराष्ट्र में अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जिस तरह से वारली प्रचलित है उस तरह से वहां पे ये प्रचलित है। तो लोटस ऐसा इन्वर्टेड ही बनाते हैं मैडम? देखिए नहीं सीधा भी बनाते हैं सर। ये मैंने इन्वर्टेड बनाया, ये जो भी आपके डिजाइन है उसकी कैसी डिमांड है तो लोटस आप सीधा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ये देखिए मैंने इस वाले में जो बनाया है, इस वाले में आप देखिए इसके अंदर देवी माँ के पैर भी बने हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मैं बता देती हूँ ये मैंने पेंट से बनाया है, ये मैंने चावल के आटे से नहीं बनाया है, ये मैंने व्हाइट पेंट और ब्रश से बनाया है जी, और जी। ये मैंने चावल के आटे के पेस्ट से, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि एक जो उस रंगोली का स्वरूप कैसा होगा वो दिख रहा है इसके अंदर। आज के लिए उड़ीसा से ये ज्योति या चित्रा, चिता भी कहते हैं इसको, ज्योति या चिता, ये वहां की ट्रेडिशनल रंगोली है। आप सभी का धन्यवाद। क्या विवाह समारोह में होता होगा? ये विवाह समारोह में या उनके यहाँ जो पूजा होती है, जो भी पूजा होती है उस समय ये बनाया जाता है।